फ्रेंड्स, आज जा रहा हूँ मैं अपनी बाइक की डिलीवरी लेने। एक्चुअली मैं जाने वाला था 24 को डिलीवरी लेने, लेकिन आज जाना पड़ रहा है क्योंकि 24-23 को अराउंड इवनिंग में मुझे कॉल आया जो सेल्समैन है उसका। उसने बोला कि भाई एक्चुअली जो आपको कलर चाहिए, मुझे मैट ब्लैक कलर चाहिए था और वो कलर अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल होगा आपको फ्राइडे के दिन, जो कि है आज 28 है, आज 28 जुलाई। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने बाइक की डिलीवरी लेने, शोरूम से लेने वाला हूँ, तो आपको बताने वाला हूँ उसकी ट्रिक्स। और गाइस, हो चुके हैं आज 10,000 सब्सक्राइबर, आज ही मॉर्निंग में 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हमारे दूसरे चैनल स्ट्राइक एंड कॉमर्स चैनल, जो एक कैरमेलेटेड प्रोफेशनल चैनल है, उसने क्रॉस कर लिया है। ये चैनल की अभी शुरुआत है, यकीन करते हैं इसके ऊपर भी हम ऐसे ही हमारी टीम जुड़ते जाएंगे और हम लोग और बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मुझे और मौका मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल जो वेदर है यहाँ पे वो था, सुबह में काफ़ी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले हमको काफ़ी ज़ोर से बारिश यहाँ पे हो रही थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेदर, अभी बिल्कुल क्लीन है। तो अभी फिलहाल बहुत, अभी मैं नहीं चाहता कि आज बारिश हो ज़्यादा, बिकॉज मुझे जाना है अपनी बाइक परचेज करने के लिए। मेरे ओ इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। गाइस, ये अभी है लिफ्ट बंद, लिफ्ट बंद होने के चलते मैं अभी जा रहा हूँ सीढ़ियों से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। यूनिकॉर्न, अभी इसको लेकर जाऊंगा और वो है मेरा भाई वहाँ पे। अरे भाई चल यार, सीट गिल्ली वगैरह नहीं होंगी। ये बोल रहा है कि सीट से पानी आएगा और जो तशरीफ है वो गिली हो जाएगी, तो इसलिए अभी चल, नहीं होंगी गिली, होगी तो हुई गिली, चल नहीं आएंगे रे पानी इसमें से, आएंगा, जिद मत कर, मेरा रोज का है।
का बाइक एक्चुअली ये है वाइट कलर में, और अभी मैं हूँ शोरूम के बाहर और ये लोग वो एक्चुअली लंच कर रहे हैं। ये है बाइक, ये है वाइट कलर में, और रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि क्यों मैंने डोमिनार परचेज की और किस लिए। और वहाँ पे एक है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की डोमिनार, और ये है बजाज का शोरूम। तो हियर इज़ माई बाइक, जो मेरी बाइक है वो है मेरे पीछे, और अभी ये फर्स्ट जो सर्विस होती है वो अभी होगी। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में वॉशिंग होगी बाइक की, तो वो सब देखेंगे हम लोग। उसके बाद वॉशिंग करने के बाद थोड़ी जो स्क्रू वगैरह है, वो नट्स वगैरह होते हैं, वो फिटिंग करेंगे वो लोग। उसके बाद मैं लूँगा अपनी बाइक और जाऊँगा घर पर। तो चलो देखते हैं पहले बाइक अभी और वॉशिंग करने के बाद। फाइनली आई केम इन द पार्किंग एंड अचानक से एकदम ज़ोर से बारिश स्टार्ट होना चालू हो गई, और उसके चलते मैं एकदम अचानक से रुक गया और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया। अभी फिलहाल मैं जो अपनी पार्किंग में, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे है मेरी बाइक। मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ बारिश, मेरा कैमरा जो है वो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ नहीं है, तो उसी के चलते मुझे शूटिंग करने का मौका नहीं मिला ज़्यादा बाइक के ऊपर। मेरे डोमिनार के ऊपर वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे स्टिल इट्स रेनिंग, अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, और अभी मैं कुछ वीडियो एडिट कर रहा था मेरा, तो आउटप्रो देने के लिए वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ जिसमें बस आपको क्लोजर दे रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और गाइस इन्होंने मुझे बाइक के साथ में दिया ये प्रो बाइकर का ग्लव्स। ये जो ग्लव्स है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनकी, और ग्लव्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे,
वाटर प्रूफ है या नहीं, बारिश में यूज़ कर सकते हो या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ग्लव्स अच्छे लगे मुझे। और उसके साथ मुझे मिला है ये हेलमेट जो मुझे शोरूम ने दिया है। ये कौन सा हेलमेट है आप लोग देख सकते हो, तो ये हेलमेट है क्वालिटी इतना ठीक नहीं लगा, ओके ओके है मेटल और कास्ट, मतलब रेगुलर यूज के लिए अच्छा है, टूरिंग के लिए मुझे दूसरा परचेस करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मल लोकल यूज के लिए काफी अच्छा हेलमेट है। तो ये दो चीज मुझे बाइक के साथ मिली है, और बाकी गाड़ी बहुत पावरफुल है और बहुत मजा आता है चलाने। और एक बात मुझे गाड़ी की ये लगी कि आप अगर उसको सिटी में ड्राइव करते हो तो जब आप उसको स्लो चलाते हो ना तो वो स्लो के लिए बनी ही नहीं है ऐसा लगता है वो गाड़ी चलाते वक्त। तो वो एक मुझे डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि सिटी में भी राइड करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे अगर स्टार्टिंग में होता है ना कि गाड़ी फास्ट नहीं चलाना चाहिए फर्स्ट सर्विस तक, तो गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, तो स्लो चला रहा हूँ तो चल रही नहीं है, स्लो फास्ट ही चलना है उसको। तो वो एक बात मुझे लगी डोमिनार के बारे में, और उसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने क्यों परचेस की आने वाले वीडियोज में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉक्स लेके आने वाला हूँ। कि नहीं, वापस से वही मुंह पे आता है, बिकॉज वो मेरे दूसरे चैनल का फ्लॉग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल गाइस।